मिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुगु येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा कदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहुं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्री श्रीरूपं साग्रजा सह तं सजीवं साद्वैतं सावदूतम् परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् स गणरहिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो कृष्णपादा

नमो महावल्याण प्रलायते नाम गौर नम वाकृ्य विभुवा चिका पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री चैतन्य श्रीतार श्रीवासा गौरव भक्तवृंद हरे कृषा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमो भगवते वसुदेवायादे ओं नमो भगवते वाुदेवाया नमो भगवते वास्ुदेवाया त्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंद गोपकुम गोविन्दा ब्रह्म मतस्तु दिव्य सांग पदक्रमोपनिषदर्गायं तम साम ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यम योगिनो यहाँ तम विदुसुरा सुसुरगणा देवाय तस्म नमो सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सादर दंड प्रणाम करता हूँ जिनकी पूजा आराधना उपासना बड़े बड़े देवतागण जैसे शिव जी ब्रह्मा जी इंद्रचंद्र वायु अग्नि सब लोग करते हैं जिनकी गुणगान सब वेद पुराण उपनिषद भी अनेक मधुर गीतों में करते हैं और जिनके ऊपर वन में ध्यान मुद्रा में बैठ कर आने की योगी लोग भगवान कांतर्यामी के रूप में वासुदेव के रूप में जिनकी ऊपर ध्यान लगाते हैं ऐसे श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम सादर दंडत प्रणाम अर्पित करते हैं <coughs> इधर इकट्ठित तो श्रद्धालु सब भक्तों को मैं दंडत प्रणाम करता हूँ राधापति वंशधारी प्रभु के इस ट्रीचिंग सेंटर में मैंने सुना है कि बहुत सालों से आप लोगों की कार्यक्रम चलता आया है बहुत सुंदर कार्यक्रम मेरे प्रिय मित्र श्रीमान आश्रय गौरंग प्रभु बहुत सालों से इस कार्यक्रम के बारे में मुझे भी बोलते थे मैं पहली बार आया हूँ इतने बड़े मात्रा में भक्तों को देखकर बहुत आनंद आया <sklesk> और यह आवाज आप लोग को सजा सुना दे रहे कर, पीछे भी वॉल्यूम ठीक है कम ना हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्रीकृष्णशरणं समस्तजगताम् कृष्णम् विनाका गतिः कृष्णेन प्रतिघन्यते कलिमलम् कृष्णाय कार्यं नमः कृष्णात्रस्यदिकालभीमभुजगो कृष्णस्य सर्वं वशे कृष्णे इस सुंदर श्लोक में ऐसे बताया गया कि श्री कृष्ण शरण समस्त जगत सारे भौतिक आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में ही आश्रित है भगवान ही उनके उद्गम स्थान है भगवान ही उनके लिए आश्रय है और कृष्ण बिना कहा गति ही कृष्ण के श्रीचरणों को छोड़कर एक जीव के लिए और क्या गति हो सकता है अगर कोई स्वर्ग में जाएगा उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे वो नीचे वापस लौट आएगा अगर कोई ब्रह्म ज्योति में भी लीन होकर शांति शांति प्राप्त करना चाहता हो कोई व्यक्ति हा? वो भी भगवान के तो मुखारविंद की खूबसूरती नहीं देख पाएगा और क्रियाशील जीव होने के कारण वो भी लौट लौटा जाएगा इस दुनिया में लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति मार्ग में जुड़कर भगवान कृष्ण की सानिध्यता को प्राप्त करता है सेवा को प्राप्त करता है तो उससे बढ़कर कोई गति नहीं है जीव के लिए कृष्ण बिना कहा गति ही ऐसे कृष्णे न प्रतिहन्य थे कलिलम कार्यम नमः कृष्ण के नाम मात्र जप करने से एक इंसान सब तरह के पापों से मुक्त होकर उसके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाती है देखिए उनके नाम की महिमा देखिए गुना हाँ। में एक बहुत बड़े धनी लोगों का एक काल नेता उधर मैं गया था किसी को मिलने के लिए एक व्यक्ति के घर में कुछ कार्यक्रम था लेकिन वॉचमैन छोड़ने रहता अंदर देखा कोई भगड़े कपड़े पहन कर हैं तो अंदर जाकर डोनेशन मांगेगा किसी छोड़ने के लिए तय नहीं थे तो मैंने डायरी को निकाला उसको उनका नाम दिखाया उनका और घर का नंबर भी लिखा था उसमें फोन नंबर नहीं था मेरे पास सिर्फ नाम था घर का नंबर था दिखाया मैंने तुरंत गेट खुल गया और समझ गया कि नाम सही है नंबर भी सही है खुल गया तो अंदर जाते जाते मेरे मन में एक ऐसे विचार उठा ऐसे कोई धनी व्यक्ति के नाम लेने से एक बहुत बड़े कॉलने का दर्व गेट खुल जाता है तो भगवान के नाम लेंगे तो वैकुंठ का द्वार खुल जाएगा इस तरह बताते हैं कृष्णे न प्रतिहन कलिमलम कृष्णाय कार्यम नम भगवान के नाम की महिमा इतना है कि सब सारे हृदय के गंदगी को मिठा देता है साथ साथ बताते हैं कृष्णाय कार्यम नमें कृष्ण के सुंदर लीला चेष्टाओं को नमन करता हूँ कारण क्या है इस दुनिया में हम लोगों का अनुभव है कि अगर दो लोग आपके पास आते हो कुछ नीति के संबंध में एक बोलता है मैंने ऐसे क्या तुम बताओ मैं सही हूँ वो सही है तो अगर आप निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो यह कि व्यक्ति आपसे खुश होता है दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाता है वो बोलेगा कि अरे उसके पक्ष ले लिया आपने इसलिए हम आपसे ना खुश ऐसे बोलेगा इसलिए इस दुनिया में दुश्मन ही होता है और एक बार अगर कोई दुश्मन हो चुका है तो उसको हमारे लाइन में लाना उसके साथ मैत्री जुड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है इस दुनिया में लेकिन भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान के कार्य से किसी को नुकसान नहीं सब जीवों को ही भलाई है ऐसे भागवत में बताया गया है जिस तरह जब कालिया नाग आ पहुंचा वृंदावन में यमुना में जाकर आश्रय ले लिया उसने सारे यमुना के पानी को दूषित कर दिया आप लोग जानते हो तो उस पानी को पीकर अनेक गोप बालक मृत होकर पड़े थे वो किनारे में जो कृष्ण के भी माता पिता और बाकी सब गोप गोपियाँ गाय बचड़े सब रोते हुए आ पहुंचे उधर किनारे में यमुना के उस समय कृष्ण ने देखा माहौल देखा क्या इतना खराब कर दिया इसने कालिया ने तुरंत भगवान पानी में कूद पड़े उसके बाद अद्भुत तो लीलाएँ हुई पानी में आप लोग जानते हो भगवान नृत्य किया कालिया के ऊपर तो उसके बाद इतना तोड़ फोड़ कर दिया भगवान ने उनके सर भी थोड़ा क्रैक हो गया है कालिया का और जबड़े भी टूट फूट गए खून निकलने लगा मुँह से इतना दुआ निकला खून निकला विष निकला सब वो लगभग मर ही गया वो मरा नहीं लेकिन मरने ही वाला था ऐसे उस समय नाघपतियां आता है भगवान से विनती की अभी हमारे आप हमारे पति, पति शरण में जा गए अभी चला गया शरण में आगे आपके छोड़ दीजिए उसको जिंदा छोड़िए ऐसे उन्होंने विनती किया भगवान ने छोड़ दिया जब भगवान पानी से बाहर निकले कालिया दुख इतना दुखित था दर्द था शरीर आप सोच सकते हैं कृष्ण के ऊपर कितना क्रोध होगा उसका लेकिन क्रोध नहीं हुआ उसका नम्र बन गया था उस समय तो भगवान ने कालिया को बोला हे कालिया तुमने मेरे भक्तों को इतना सताया तुमने तुम्हारे जहरीला पानी पीकर मेरे को बल मर गए और इसलिए मुझे दंड देना पड़ा तुमको देखो मेरे माँ यशोदा नंद बाबा कैसे रो रहे हैं वो लोग तुमने सब सबसे रुलाया तुमने इसलिए मैंने दंड दिया पर मत करो मैं सब ठीक ठाक कर देना तुम्हारा तो अपने हाथ से भगवान ने उसके शरीर को स्पर्श किया जिधर भी टूटे फूटे थे जिधर भगवान ने स्पर्श किया उधर तुरंत रिपेयर हो गया उसका अगर हमारा कुछ गाव हो जाता है तो आइनमेंट लगाते हैं हम लोग करेक्ट नाथ्रोमाइसिन टेट्रोमाइसिन माइसिन माइसिन मतलब मेरा पाप है मेरा पाप का ही कुछ नतीजा निकलता है लेकिन आइनमेंट लगाने के बाद क्या होता है धीरे धीरे वो तीन चार दिन में ठीक होता है लेकिन भगवान इतने महान व्यक्ति हैं स्पर्श करने मात्र से वो ठीक हो गया उसी तत्क्षण ठीक हो गया उसका था बहुत खुश हो गया है देखा कि मेरे मेरे घाव भी चले गए दर्द भी चला गया दर्द भी नहीं बहुत सुखी हो गया कालिया तो भगवान के मीठे बात सुनकर भगवान के स्पर्श से कालिया ठक ठीक होने के बाद भगवान को नमन किया और कालिया ने बोला हे hey भगवान आप मुझे इधर से बाहर निकलने के लिए आदेश दिया है आपने मैं निकल जाऊंगा लेकिन जब भी मेरी जरूरत पड़े आप बुलाइए मैं वृंदावन में आ जाऊंगा आपका और आप बाकी सब गोपाल को पी, मेरे पीठ में बिठा कर पूरा आपको सवारी में लेके जाऊंगा भाई से बोलकर कालिया निकल गया खुशी से निकल गया कालिया और यमुना भी खुश हो गई क्यों क्योंकि कालिया निकलने के बाद दूषित पानी को भगवान ने निर्मल बना दिया गोप बाल भी खुश हो गए क्योंकि मृत पड़े थे लेकिन भगवान की दृष्टिपात मात्र से वो लोग जग गए तुरंत क्षण मात्र भगवान ने उठा दिया उनको देखिए भगवान की आंखें अमृत वर्षा करती है उनके कोमल आंखों की दृष्टिपात मात्र से गोपाल सब जगह और बच बचते गोप गोपियाँ नंद वो भी लोग खुश हो गए क्यों क्योंकि तो कृष्णा को जिंदा पाया उन, उन लोगों ने पहले तो बहुत दरी थी सब सब सोच रहे थे कि कृष्णा को मार देगा कालिया लेकिन कालिया के ऊपर नृत्य करके सबको खुश किया भगवान ने सबको खुश किया है ऐसे आप देख सकते हैं इस तरह भगवान कृष्ण ने किसी को दुखित किया गया इस लीला से एक भी व्यक्ति कोई नहीं सबको सुखी किया भगवान ने इस मतलब है भगवान के लीला में भगवान की कार्य ऐसे होते हैं कि किसी को नुकसान नहीं उनकी लीला में आप लोग वामन देव का लीला जानते हो कुछ लोग बोलते हैं कि वामन देव एक ब्राह्मण के रूप में आया छोटे हाथ में एक छतरे लेकर आया था तीन पांव मांगा लेकिन वो तीन पाँव में ऊपर के नीचे के लोगों को दो पाँव में माप लिया तीसरे पाँव रखने के लिए जगह नहीं था उसने बलि को बोला है तुमने धोखा दे दिया मुझे तुमने बोला कि तीन पाँव अभी तीसरा स्थान में किधर रखो तब तो बलि सोचा अपने मन ही मन हाँ। 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 हालांकि भगवान ने सब कुछ ले लिया मेरे से लेकिन प्रभु ही सबके लिए सोच रहे सब कुछ उन्होंने दिया उन्होंने लिया तो मैं प्रहलाद महाराज की पदचिन्हों में चलते हुए मैं प्रभु के श्री चरणों में आश्रित हो जाऊंगा मैं आत्मनिवेदन कर दूंगा अपने आप को इस तरह सोचकर उन्होंने भगवान को बोला कि आप अपने श्री चरण को मेरे सर के ऊपर रखिए भगवान बहुत खुशी है बलि से बलि को उन्होंने बोला बलि तुमने, तुमने तुम्हारे प्रेम से मुझे जीत लिया इसलिए जो राज्य का तुमसे मैंने छीन लिया अभी उसको वापस कर दूंगा अगली बार तुम जब इंद्र बनोगे तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इंद्र बनोगे आगे जाकर साथ साथ अभी तुमको सुतल लोक का एक राजा बनाता हूँ और मैं तुम्हारे सुतल लोक में द्वारपाल बनकर रहूंगा मैं हर दिन सुबह तुमको दर्शन लेगा मेरा ऐसे भगवान ने उनको तीन वरदान दिए तो इस तरह बली महाराज को साथ साथ बली महाराज के नाम को भगवान ने द्वादश महाजनों में लिस्ट में ऐड कर दिया मालूम है ना आपको स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको बलि भी बलि का नाम भी भगवान ने उधर द्वादश महाजन में उनका लिस्ट में नाम ऐड कर दिया कितना बलि के लिए भगवान ने नुकसान क्या बला किया बताए बड़े बला किया उनका महाजन बना दिया प्रहलाद महाराज के साथ उनका भी नाम जोड़ दिया उधर एक असुर कुल में जन्माता ये बलि महाराज उनको शुद्ध भक्त बना दिया भगवान ने तो भगवान के कार्यों से किसी को नुकसान नहीं है इसलिए बोलते हैं कृष्णा या कार्यम नमा ऐसे भगवान कृष्ण के कार्यों को मैं नमन करता हूँ और आगे बताते हैं कृष्णात्र काल अभी जगो कृष्ण से सर्वम्बेर एक काल उरग का मतलब सर्प है सबके पीछे पड़ा है वो सर्प अगर किसी का पच्चीस साल हो गया तो वो सर्प हमें पांव तक पकड़ लिया नीचे से अगर पचास हो गया तो आधा निकल लिया

उसकी के बेटा बेटे को बोलते हैं डॉक्टर कुछ तो बोलते हैं और डॉक्टर जाने के बाद वो बुड्ढा पूछता है बेटा बेटी को क्या बोला डॉक्टर ने मेरा ठीक हो जाएगा ना मेरा और वो लोग एक दूसरे को देखते हैं अभी रो पड़ता है वो क्या बोला मर जाऊंगा क्या पूछता है देखा नब्बे होने वो के बाद भी उसको मरने की इच्छा नहीं है आप देखेंगे दुनिया में हर इंसान रहना चाहता है डरता है मृत्यु से लेकिन अगर कोई कृष्ण के भक्त बनेगा वो डरेगा नहीं वो डर से ऊपर उड़ जाएंगे वो तमोपयातम प्रदियंत विप्रा गंगा च देवी दृत चित्त मीशे विजोपशिष्ट स्कोह कस्तक्ष को दशक पलम गाय इसे एक श्लोक है भागवत में परिषद महाराज बोलता है हालांकि मुझे सात दिन में, में मेरे मृत्यु आने वाला है परिषद ने बोला है। लेकिन मुझे डर नहीं है कारण क्या है मैं गंगा के तट में बैठा सब मुनियों के साथ भक्तों के, अच्छा के संग में बैठा हूँ कृष्ण कथा सुन रहा हूँ इससे और अच्छा माहौल किसको मिल सकता है ऐसे भक्तों के संग में भगवान के कथा का श्रवण नाम का स्मरण करते करते मैं शरीर त्यागूंगा जरूर मैं भगवान के श्री चरण को प्राप्त कर लूंगा साहस आ गया उनमें इसलिए लेश मात्र भी उनको डर नहीं था प्रहलाद महाराज भी डरा नहीं अम्बरीश महाराज भी निडर हो गए परीक्षित भी निडर हो गया इसे बताया गया कृष्णात्र से दिकाल अभीम अभुजगो कृष्ण सर्वम वशेत सब सारे दुनिया कृष्ण के वश में है ऐसे बताते हैं इसके संबंध में भीष्म पितामह के एक में बोलते हैं कि आसमान चंद्रमा सूर्य तारे धरती समुद्र हवा और मनुष्य जानवर जलचर पंचियां और गंधर्व यक्ष किन्नर विद्याधर इस तरह सब तरह के लोग कृष्ण के वश में है ऐसे एक श्लोक में बताते हैं विष्णु विष्णुशासना में आता है श्लोक दौसचंद्र क्षत्र कम दिशो भूर्मो दि वासुदेव से वीरण बिदृता ने बताते हैं जगत वशे सारे जगत कृष्ण के वश में है कृष्ण से चराचर हमले सारे चराचर कृष्ण के वश में है ऐसे बताते हैं तो कृष्ण जब हाथ हिलाते हैं तब प्रकृति काम करती है आप देखेंगे चिड़िया उड़ते हैं समुद्र में लहरें उठते हैं जानवर चलते हैं फिरते हैं मनुष्य भी अपना काम कर पाता है हवा बताता है सूर्य ताप देता है बादल बारिश बरसती है धान्य उगता है फूल की उड़ता है फल पकते हैं सब होता है कृष्ण के दृष्टिपात से उनके आदेश से इसलिए क्या क्या कृष्ण से वशेत आगे बताते हैं कृष्णे भक्ति अखंडिता भवतु में मेरे हृदय में कृष्ण के लिए अखंडित भक्ति हो इसका मतलब क्या है हमारे भक्ति में किसी भी तरह का रुकावट ना आए जैसे कुंती ने भी यही बताती है कि हे भगवान मेरी भक्ति तेज से बहने वाली एक गंगा के प्रवाह के समान हो ताकि इधर से जब तक गंगा समुद्र तक नहीं पहुंचती बीच में अगर कुछ पेड़ गिर गया तो ऊपर से जाएगा तो नीचे से जाएंगे पत्थर आ गए तो बाजू में चल जाएगी इसे तो ये में अनन्याषयादन ऐसे बताती है इस तरह ये कृष्णा मेरी भक्ति अखंडित हो हम किसी भी कारणवश कुछ समस्या हो गया करके हम भक्ति छूट न जाए भक्ति में रुकावट ना आए ऐसी प्रार्थना है आ, भक्तिर अखंडिता भगवत में भो कृष्ण त्वे वाश्रय हे कृष्ण में आपी चरण में आश्रय लेता हूं इस तरह की प्रार्थना है सुंदर प्रार्थना तो भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में जब अवतरित होकर आते हैं वो अलौकिक लीला भी करते हैं लौकिक लीला भी करते हैं भगवान आपको पढ़ने को मिलता है भागवत में है ना तो मैं अभी एक लीला बताऊंगा आप लोग बताएंगे ये क्या लौकिक हुआ नहीं तो अलौकिक हुआ ठीक है सब लोग तैयार है अभी गोचारण लीला जंगल में गाय बच्चों को लेके जाना लौकिक है अलौकिक है लौकिक है क्योंकि हम भी कर सकते हैं ना क्या आप गाय को लेकर नहीं जा सकते हो कोई भी इंसान भी कर सकता है ना ऐसे इसी तरह माखन की चोरी करना लौकिक है कोई भी बच्चा कर लेगा छोटे बच्चे को पूछे वो भी कर लेगा उसको बोलो पड़ोस में जाकर माखन चोरी कर लेके ले कोई भी कर सकता है धावा नल को पीना क्या मुंह खोलकर माह को दिखाना नहीं मुंह कर दिखाना आसान है वो लेकिन मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड को दिखाना वो अलौकिक है क्योंकि हम भी अनेक माता बच्चे को बोलते हैं तो मुंह हैं खोलते हैं खोलना आसान है लेकिन ब्रह्मांड दिखाना वो अलौकिक करेक्ट ना विश्व दर्शन अलौकिक करेक्ट ना भगवान दिखाते हैं अर्जुन को ग्यारहवें स्तर में दिखाते हैं ग्यारहवें अध्याय में तो इस तरह तो दोनों लीला करते हैं भगवान क्यों करते हैं दोनों तरीके की लीला में आपको बताऊंगा भागवत से ही सब लोग पीछे बोलिए अनुग्रह देव मनुष्य मस्ति बदते तादृशी क्रीड़ा या श्रुवा तत्परो भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में मनुष्य जैसे चेष्टाएं करते हैं भगवान मनुष्य नहीं है लेकिन मनुष्य जैसे चेष्टाएं करते हैं हाँ भागवत में पढ़ने को मिलता है आपको ये शब्द एक बार जरासंध कृष्ण के पीछे पड़ा अपने रथ के ऊपर सवार होकर देखा कि कृष्ण बलराम सत्रह बार कृष्ण ने उसको पराजित किया वो हताश हो चुका था उसको लगा कि मैं मर ही जाना चाहिए ऐसे इंसान कौन जिंदा रह सकता है दुनिया में जिसको सत्रह बार भगवान ने पराजित किया लेकिन भगवान ने सत्रह बार क्यों नहीं मारा उसको आपको मालूम है कारण मालूम है आपको सत्रह बार है हाँ क्या कारण है <laughs> यार। सही बोला कैसे उन्होंने बोला भगवान की योजना थी कि ये आश्रम में सबसे बड़ा बलशाली है हर बार क्या करता है अनेक असुरों को करके लेकर आता है और भगवान को काम को आसान कर देता है बाकी सब देंगे इसको छोड़ेंगे बाकी लोगों को प्रोग्राम में लेकर आते हैं सबको भगवत धाम धाम लेके जाते हैं है? इस तरह ये क्या करता था है ये असुरों का पथ में था ना इसलिए असुरों को एक करता है इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर अभी तोते तोतों के साथ उड़ते हैं कुत्ते कुत्तों के साथ रहते हैं देखा आपने ऐसे कौवे कौ के साथ रहना इस तरह असुर लोग किसी साथ रहते हैं आशुरों के साथ। भगवान को मालूम था कि इसको छोड़ूंगा तो अव कंटित कर करके लेकर आएगा मेरा काम आसान हो जाएगा जैसे उन्होंने बताया भगवान ने अनेक अवसरों को छोड़ा और सत्रहवा बार क्या हुआ भगवान के लिए खास काम आ गया उधर द्वारका में रुक्मिणी जी की एक कथ आया था तो भगवान को उसका उसको रिप्लाई करना था उसको हा? उसको जवाब लिखना था तो भगवान ने सोचा कि अभी हम इधर नहीं करेंगे अभी मूड में नहीं है, करने है छोड़ दो अभी निकल जाओ उसके लिए उनका नाम क्या पड़ा उनका नाम छोड़ रहा है तो जब भगवान भाग रहे थे उसका एक सुंदर वर्णन है भागवत में प्रहसन मागद बली ऐसे आता तब इन्होंने देखा जरासंध ने देखा कि अरे देखो देखो दो माधव लोग दोनों को माधव नाम से पुकारते हैं बोलते हैं कि माधव माधवऊ का मतलब दो हैं? दोनों एक माधव कौन दो लोग कृष्ण बलराम दोनों भाग रहे थे ऐसे आश्चर्य क्यों भाग रहे हैं लोग है? उन्होंने है रुक जाओ कायर बोला लेकिन भगवान ने सुना उसके बाद लेकिन रुका नहीं उधर बताया गया है हाभीत भीतावत ऐसा बताया गया है देखिये अभीतो का मतलब क्या है संस्कृत में भीत का मतलब भयभीत होना भीरू का मतलब क्या हैीतव का मतलब क्या है का मतलब मानोन डर गया ऐसे भाग रहे थे जैसे कभी कभी आग्रे कोई छोटा बच्चा पिताजी के पीछे पड़ता है पिताजी बच्चे से भागते हैं देखा आपने कभी तो बच्चों को देखते हैं ऐसे देख देख भागते हैं ऐसे है देखा आपने तो उससे बच्चे को बहुत आनंद आता है करेक्ट है ना मैं लाठी लेकर पीछे भाग रहा हूँ पिताजी आगे भाग रहे हैं लेकिन क्या वो असली में डरे हैं क्या वो ड्रामा कर रहे हैं भगवान भी ऐसे ही कर रहे थे भगवान को कौन क्या कर सकता है कुछ नहीं कर सकता कोई भगवान को कोई डरा भी नहीं सकता मार भी नहीं सकता भगवान के शरीर सचिदानंद स्वरूप है उनके भगवान कभी पराजित होते नहीं किसी से भी हु? लेकिन अभी तु बीर बीतवत बीतवत का मतलब इससे मानो डर गया इससे भाग रहते भगवान भक्तों लोग इस तरह के सेक्शन पढ़ते हैं भक्तों को बहुत आनंद आएगा देखो भगवान क्या नाटक कर रहे हैं देखो ऐसे है तो लेकिन भगवान ऐसे दूर भागने के बाद चेहलतुर बहु योजना बताया गया बहुत दूर भागे भगवान उसके बाद क्या किया अगर आप लोग बहुत दूर भागते हो कोई पीछे किया उसके बाद आप क्या करोगे बहुत दूर भागने के बाद ऐसे रेस्ट लेंगे आराम करेंगे कि नहीं भगवान ने कैसे आराम किया मालूम आपको एक नब्बे मील का पहाड़ के ऊपर चढ़ गए जितना दूर भागने के बाद चढ़ सकता है ऐसे तुरंत बहुत आपका श्वास ले रहे हैं जोर जोर से और आप ऊपर उठते हैं वो चढ़ गया ऐसे उसका नाम का पर्वत का नाम था प्रवर्षण पर्वत हाँ तो भगवान चढ़ने के बाद दोनों चढ़ गए ऊपर जरासंध ने देखा कि उस पेड़ उस पहाड़ में बहुत से पेड़ पौधे हैं वो सोचे कि कहीं तो चुप गए है दोनों भाई मिल नहीं रहे उसने बुलाया अपने सब सैनिकों को बोला कि पूरा कैरसिन रा, राखेल डालो पूरा और आग जलाओ, क्योंकि अंदर कहीं भी हो ये लोग जिंदा मर जाएंगे ऐसे सोचकर ने देखा कि आग, आग लगा रहा है उतने ऊंचाई से कूद पड़े दोनों पति तक अधो भूवी ऐसा बताया गया तो अधो भूवी ऐसे बताया जब कूद पड़े मान लीजिए अगर कोई नब्बे मील दूर से नीचे कूदता हो तो क्या होगा उसका हड्डी पसली हो जाएगा ना हड्डी को गिन भी नहीं पाओगे आप लेकिन ये दोनों कूदने के बाद क्या क्या मालूम है एक अद्भुत घटना का टिका है कुछ अद्भुत नहीं चले गए बस ऐसे लिखा है अगले श्लोक में दोनों चले गए द्वारका में उतना ही लिखा इसलिए आप समझ सकते हैं कि भगवान भगवान है भगवान जो उनके शरीर किससे बनाया हुआ है, है? सचित आनंद से सचित इसका मतलब है न? वो शरीर को कोई लेकर काट नहीं सकता कोई इसको जला नहीं सकता कोई बीगा नहीं सकता पानी से कोई उसको सुखा नहीं सकता वो दिव्य शरीर है इसलिए हम बोलते न ईश्वर परम कृष्ण विग्रह अनादिर आदिर गोविंद कारण अनादि काल से भगवान थे अनंत काल तक रहेंगे उनका शरीर शाश्वत शरीर है सच्चिदानंद स्वरूप है कभी मरता नहीं कभी कोई काट नहीं सकता उसको कभी जला नहीं सकता ऐसे शरीर उनका दिव्य शरीर है प्रेम का ही स्वरूप है भगवान का सुंदर स्वरूप है तो इस तरह हमें भागवत पढ़ने से पता चलता है कि भगवान की मनुष्य जैसे लीला चेष्टाएं जो है ना भक्तों को सुख देने के लिए है एक पद्मपुराण में एक श्लोक आता है छोटा श्लोक है मत भक्त विनोदार्थम करो में विविधा क्रिया ऐसे भगवान बताते हैं मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए मैं इस दुनिया में आकर मैं लीला करता हूँ मत भक्त विनोद आता हूँ करो मैं तो इस तरह से भगवान मनुष्य जैसे लीलाएँ करते हैं उससे भक्तों को बहुत आनंद होता है लेकिन भगवान अपने स्वामित्व को भी दिखाते हैं मैं कैसे ऐसे महान व्यक्ति हूँ क्योंकि जो लोग नास्तिक लोग हैं वो लोग समझ जाएंगे कि ये साधारण मनुष्य नहीं है जैसे आप देखिए भगवान ने एक बार दावनल पिया कर दावाग्नि जंगल में एक मुंजा अटवी नाम के एक जंगल में गाय पहुंच गए थे बहुत लंबे लंबे बाँस थे उस जंगल में भगवान अंदर जाकर गाय सब अंदर जाकर घास खाने के लिए चले गए थे उसमें लेकिन चारों दिशाओं में से आग आने लगा तब भगवान और गोपाल पहुंचे उधर गोपाल चिंतित थे भाई उनको कैसे बछाया जाए भगवान उनको बोला सब आंख बंद कर लो बोला भगवान ने सब आंख बंद कर बंद कर लिया क्षण मात्र में भगवान ने क्या किया यह क्षण मात्र में भगवान ने सारे आंख को निगा लिया पी लिया माल में आपको क्योंकि भगवान ने बोला था आप सब लोग आंख बंद कर लो वो लोग बंद भी कर दिया मान लीजिए अगर चाह रहा हूँ वो आग आ रहा हो हमको कोई बोलता आंख बंद कर लो कोई करेगा नहीं बोले कहा अरे आँख बदल तो जला जला कर रात रात बना देगा उनको लेकिन उनको विश्वास पूरा था कृष्ण के ऊपर आंख बंद कर आंख बंद करने के बाद उन्होंने लीलाओं को देखा भगवान के सुंदर सुंदर पूर्व लीला जो की थी भगवान ने वो सब स्मरण आने लगा उनको हाँ और साथ साथ भगवान ने आग, आग को भी निगल लिया तब भगवान ने बोला आंख खोलो आंख जब खोला एकदम जंगल पहले जैसे हरियाली थी कुछ नहीं हुआ था जंगल में तो श्रीपाद राधा गोविंद महाराज उनसे सुना मैंने एक बार महाराज बता रहे थे कि ये जो आग निकला उधर वो समसार दावानल है ये शमसार दावानल की माया भी दुनिया से लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं चमक दमक से तो भगवान ने बोला आंख बंद कर लो मतलब इस चमक दमक से आंख बंद कर लो तो मतलब है उससे आकर्षित मत हो जाओ ऐसे भगवान ने बोला जो लोग भगवान के शब्द को मानकर अंक बंद कर लिया उनको भगवान की सुंदर लीला लीलाएँ दृष्टिकोचर हुई लीला देख पाए वो साहब लोग इस तरह जो लोग अपने मति को बहुत ही दुनिया के इंद्र तृप्ति से हटाकर भागवत में रामना चालू करेंगे वो लोगों को भगवान की सुंदर सुंदर लीला उनके हृदय में दृष्टिकोचर होगा साथ साथ क्योंकि उन लोगों ने भगवान के बात माना इसलिए भगवान ने संसार दावनल को मिटा दिया तो हमारा भी संसार दावनल मिट जाएगा यही बात है हाँ और हम भी भगवान के लीला में जुड़ जाएंगे यही बात है लेकिन एक कथा में क्यों बोला आपको एक दिन में ट्रेन में ऊपर बर्थ में काल में उठ गया चार बजे उठ कर मैं जप कर रहा था तो मेरे बाजू में दूसरा बर्थ में जो आदमी सो रहा था वो सुना कोई चाय चाय बोलते हुए कोई आया चाय को मांगा वो तो नींद से अभी भी उठा था उसका नींद पूरा टूटा भी नहीं था उसका लेकिन चाय पीने की लालसा था उसकी है तो चाय छोटा कप में देते हैं ना वो ले लिया आई के साथ मुंह में रखा इतना गरम था इतना धुआं निकल रहा था देखा नहीं इसने में रखते ही हाँ। चिल्लाया तो उल्टा गिर गया नीचे ऐसे तो चाय वाले को बहुत डांटा इसने अरे मूर्ख इतना गर्म दे दिया तुमने मेरा ओंट जल गया तुमको पैसा नहीं दूंगा निकल जाओ इधर से तो मैं जब देखा मैं हंस रहा था मैं क्यों हंस पड़ा क्योंकि पूर, उसके पूर्व रात्रि को ही मैं दावानल नल पीने का लीला पड़ा था मैं तब मुझे मन में विचार उठा कि अरे एक इंसान छाई भी चाय का गर्मी को भी सहन नहीं कर पाता लेकिन भगवान ने किसका सहन किया भगवान ने अग्नि का इसलिए भगवान भगवान है कोई मनुष्य बोलेगा मैं भगवान हूँ बोला भी आग पी अभी बोल सकते हैं इतने बड़े आग को भगवान ने पी लिया आप देख सकते हैं तो अपने भगवत्ता का प्रदर्शन भगवान करते भी है इस दुनिया में क्योंकि नास्तिक लोगों को निरूपण करने के लिए हम भगवान जैसे विश्व दर्शन भी दिखाया उन्होंने अब मुख खोल को कर भगवान ने पेट में ब्रह्मांड को भी दिखा दिया करेक्ट है ना कोई भी आपके आपके साथ वाद विवाद करते हैं तुरंत इन लीलाओं को बोल सकते हो आप उनको करेक्ट है ना एक बार एक व्यक्ति प्रौपा जी को पूछा कि प्रभु स्वामी जी कृष्ण तो नाचते इतने गोपियों के साथ हम क्यों नहीं नाच सकते ऐसे उन्होंने पूछा प्रौपा ने बोला कि देखो कृष्ण नाच रहे थे गोपियों के साथ आठ हुआ में आठ उम्र में लेकिन सात उम्र जब था तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और वो भी बाई हाथ से और बाई हाथ से नहीं बाई हाथ के ये उंगली से ऐसे उठाया भगवान ने हाँ तो भगवान ने बोला तुमको कम से कम एक टेबल को उठाना पड़ेगा तुमको ऐसे उठाओगे तो ये टूट जाएगा फ्रैक्चर हो जाएगा आपका डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा तुमको हाँ जी बोले कि जब भगवान का साढ़े पांच वायस था उस समय भगवान ने कालिया के ऊपर नृत्य किया भगवान ने तो हजारों फण था उसका उन हजारों फणों में सौ फण एक प्रधान फण थे उनके तो उसके ऊपर भगवान ने भरतनाट्यम किया जैसे नाचते है ना भगवान है तो नाचते समय भगवान एक फण से दूसरे फंड में खुद मारते थे हा? जब एक फंड उठता था उसके ऊपर ही कूद मारते थे ऐसे हा? ऐसे अलग अलग फंड उठ रहा था अभी देखिए कोई नृत्य करने वाली है कोई लड़की उसको स्टेज एकदम प्लेटफॉर्म ठीक चाहिए ना ऐसे अगर ऐसे स्टेज बदलता रहता तो कैसे नाचेगी वो हा? लेकिन भगवान आसानी से नाच पाए ऊपर से फूल की वर्षा हुई देवी देवता बहुत आनंदित हुए गंधर लोग भी बहुत आनंदित हुए बाज बजाने लगे वो लोग है ना तो उधर भी भगवान श्री कृष्ण नाचने समय अकेला नाटक गुरु ऐसे बताया गया भगवान के बारे में सारे दुनिया में इससे नृत्य करने वाले कोई नहीं है तो उनके बारे में उधर बताया गया उधर भगवान मुस्कुराते हुए नाच रहे थे प्रभाज ने उस व्यक्ति को बोला देखो तुमको भी ऐसे कम से कम एक फण वाला सर्व के ऊपर नाचना पड़ेगा तुमको लेकिन साथ साथ मुस्कुरा भी पड़ेगा तुमको ऐसे बोला तो आदमी समझ गया अभी हम ये सब नहीं कर पाएंगे इसलिए भगवान की लीला का नकली कोई नहीं कर सकता लोग उन लीलाओं का नकली करना चाहते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक है लेकिन पहले भगवता को दिखाओ पहले पूछना पड़ेगा तो इसलिए भगवान ऐसे लीलाओं को भी करते हैं भगवान कभी आप देखेंगे कृष्ण को रोते हुए कभी नहीं पाएंगे आप, आप देखेंगे के रणभूमि में बताया गया है प्रहसन्नी व भारत प्रहसन्नी व भारत मतलब मतलब भगवान ने अर्जुन uh, की आदेश को पालन किया अर्जुन ने बोला कि सेने और और मध्य रथम स्थापय ऐसे बोला उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कीजिए भगवान लेकर गए रोक दिया बीच में तब भगवान ने क्या किया कुछ नहीं बोले भगवान भगवान मुस्कुरा रहे थे प्रशासन नहीं बोभा था क्यों उनको मालूम था कि अभी रोने वाला है से मालूम उनको लेकिन कुछ बोले नहीं है भगवान को कुछ डर नहीं है रणभूमि में भी मुस्करा रहे हैं कालिया के ऊपर भी मुस्करा रहे हैं और अब देखेंगे गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं तो एक माता जी पेंटिंग बना रही थी कृष्ण की उन्होंने प्रभा जी को पूछा कि प्रभा जी हाथ में कितना मोटा बनाना पड़ेगा हाथ क्योंकि कृष्ण उठा रहे हैं ना प्रभा जी बोले उसकी मोटे बनने की जरूरत नहीं भगवान को जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं ऐसा वेट लिफ्टिंग करते हैं लगता है कि उनका हाथ टूट ही जाएगा है ना ऐसा लगता है ना बहुत मुश्किल होता है उनको भगवान के लिए ऐसा नहीं बहुत आसानी से जैसे एक बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं मशरूम को कुकुरमुत बोलते हैं क्या बोलते हैं कुकर मुता बोलते हैं कुकरमुता को उठाता ना बच्चा ऐसे उठाया भगवान ने ऐसे आसानी से तो भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं अगर भगवान कभी रोने रोते ही आपने पाया वो भी एक लीला है हुआ हमारे में आपको एक बार दावोद्लह में माँ ईशोधर के समक्ष लीला के लिए भगवान ने रोया है ऐसे दूसरी बार ऐसे हुआ कि जब सत्य मामा की पिताजी मर गए थे सतराज्य थे तो सत्यमामा को बहुत बुरा लगा कि कृष्ण बाहर गए हैं आउट ऑफ स्टेशन थे वह उधर नहीं थे तो आने तक उसको बचा के रखना चाहिए उन्होंने क्या किया अच्छे अच्छे सुगंधित इन तेलों में डुबा कर रखा था हाँ अपने पिताजी को उधर कृष्ण को संदेश पहुंच गया सत्य मामा के पिता चले गए अभी मर गए तो भगवान पहले से तैयारी करके आए थे अभी सत्य मामा बोलना चाहती थी कि ऐसे हो गया मर गए करके रोने वाली थी वो वो रोने के पहले भगवान जब आए आते ही बोला सत्य मामा को सत्य मामा मैंने सुना कि तुम्हारे पिता मर गए मर गए क्या पूछा सत्यमाम हाँ बोली इतने जोर से भगवान रोए सत्य मामा को शांत करना पड़ा उनको ठीक है ठीक है इतना मत रोइए क्योंकि भगवान का मानन था कि इसको तृप्त करना पड़ेगा अभी इसलिए वो भी लीला है उनकी तो इतने मधुर व्यक्ति हैं भगवान उनके भक्तों के लिए भी लीला करते हैं और भक्तों को भी स्थापन कर देते हैं इसलिए मैंने बोला लौकिक और अलग दोनों तरीकों से भगवान लीला करते हैं एक महत्वपूर्ण श्लोक है चैतन्य चरदाम में तो पाँच चीज हम भक्तों के लिए आवश्यक है इसको बोलते हैं इसके द्वारा हम में बहुत आसानी से हम आगे बढ़ेंगे हम्म तो उसके बारे में मैं दस पंद्रह मिनट बोलकर प्रोग्राम देता हूँ ठीक है हाँ। सब लोग बोलिए साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा भाष श्री मूर्ति सेवन ये पांच चीज अगर हम करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में आसानी से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग पहले बताया गया है साधु संग साधु संग दूसरा है नाम कीर्तन तीसरा है भागवत श्रवण और चौथा है श्रीमूर्ति की सेवा कृष्ण की श्रीमूर्ति की सेवा हा? और मथुरावास मधुरावास घर तो को वृंदावन बनाना ऐसे तो एक एक के लिए एक एक छोटा प्रसंग बोलकर तो हम पाँचों के बारे में क्योंकि पांच महत्वपूर्ण चीजें हैं अभी साधु संघ के संबंध में एक कथा पढ़ते हैं भागवत में सातवें स्कंद में भी है और उसके कंटिन्यूएशन पहले स्कंद में भी है हम एक बार एक गंधर्वता था उर, उर्द लोगों में आ, आ, और बहुत खूबसूरत था वो उसके गुंगराले बाल थे मधुर खंड था आ, आ, वो हमेशा चंदन का लेप लगाता था, था शरीर में उसके साथ हमेशा अप्सराएं घूमती थी आ, तीन चार अप्सराएं थी साथ में आजकल के भाषा में बोला जाए तो उसको प्ले बोलते हैं ना ऐसे वो अंदर बता हमेशा स्त्रियों के खूब सुंदर खूबसूरत अफसरों के साथ घूमता था गामता था ऐसे घूमते गामते पहुंच गया देवताओं के एक लोक में उधर एक गंभीरता से एक सत्र चल रहा था उधर उनका मीटिंग हो रहा था उनका और मीटिंग अंत में वो लोगों ने भगवान हरि की गुणगान करते हुए एक जैसे हम लोग मंगल आरती गाते हैं हरे कृष्ण गाते हैं ऐसे वो लोग गा रहे थे लेकिन ये जाकर कुछ उठपटान गाना गाने लगा हो जैसे मान लीजिए अगर आप हरे कृष्ण गा रहे हैं कोई सिनेमा गाना गा है कैसे होगा हाँ जब देवताओं ने देखा कि इस तरह भगवान की निंदा कर रहा है तो ये एक देवता ने देखा कि वो नाराज होकर कुपित होकर उसने उसको एक श्राप दिया कि अरे मूर्ख तो एक तुच्छ परिवार में जन्म लो एक दासी पुत्र बनो ऐसे तो ऊपर से अंतरिक्ष में गिरते हुए नीचे आकर एक साधारण गांव में एक साधारण दासी की घर में उसका जन्म मिला देखिए इसे हमें क्या पता चलता है अगर किसी को ऊंचा जन्म भी प्राप्त हुआ उसका दुरुपयोग कोई करता हो तो उसको ऊंचे उस, उस पदवी से नीचे गिरा जाता है देख सकते हैं कोई धनी आदमी है शराब पीता है सिगरेट फूंकता है खराब जीवन बिताता है तो अगले जन्म में वो उसका झोपड़ी पट्टी में जन्म हो सकता है उसकी अभी बना भी करोड़पति बना अगले जन्म में उसके पास एक भी पैसा नहीं रहेगा हाँ इसलिए हमें हमारे मनुष्य जन्म का दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए एक सीखते हैं हम लोग लेकिन एक अच्छी बात हुई दासी पुत्र होकर जब जीता था उधर उस गांव में एक गुरुकुल था उस गुरुकुल में अनेक वैष्णव लोग आ पहुंचे चतुर्मास के समय चार मास वो लोग रहने लगे उधर उस समय दासी ने बेटे को दिखाया है hey, देखो देखो संत महात्मा लोग आए हैं चलो हम दोनों जाते हैं दरद प्रणाम करते हैं आशीर्वाद मांगते हैं शास्त्र बताते हैं कि संत माँ साधु संतों की संगति से ही भगवान प्राप्त होते हैं चलो बेटा उन्होंने लेके गया तो उन्होंने जाकर दंडत प्रणाम किया माँ ने बच्चे को बोला रोज तुम जाकर उनको प्रसाद परोसो और उनके प्लेट को धोना और उनके लिए पानी लेकर रखना उनको जो भी ज़रूरतें हैं मांगे हैं उसको पूर्ति करना उन कपड़े धोना इत्यादि करो तुम हूँ करने से तुमको बहुत लाभ प्राप्त होगा तो माँ की बात मान लिया उन्होंने सेवा भी की ऐसे करते करते एक दिन देखा उन्होंने सब साधु लोग बैठ कर बहुत आराम से भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो लोग आनंदित होकर तो उनके चेहरे में प्रसन्न उनके वदन को प्रसन्न चेहरे को देख कर इस लड़के के इधर में भी इच्छा हुआ कि मैं भी थोड़ा दो दो मिनट सुन लूँ क्या ये लोग बात कर रहे हैं ये लोग क्या बात कर रहे थे ये लोग भगवान की सुंदर जिस तरह अभी तक मैंने आपको लीला का वर्णन कर रहा था ऐसे लीला बातचीत कर रहे थे ये बच्चे थोड़ा ही सुना इसको बहुत अच्छा लगा इसको तो इन्होंने उनके पास जाकर पूछा कि मैं एक साधारण नीच परिवार में जन्मा हूँ क्या मेरे अंदर इस आप जैसे लोगों की समान योग्यता नहीं है मैं ब्राह्मण नहीं हूँ लेकिन क्या अगर आप अनुमति देंगे तो मैं भी बैठ सुन सकता हूँ श्रवण कर सकता हूँ क्या आप मुझे अनुमति दे सकते हैं क्या तो वो लोग बोले अरे बच्चे भगवान की कथाओं को सुनने के लिए तुमको ऊंचा जन्म की जरूरत नहीं है सिर्फ श्रद्धा मात्र चाहिए तुम्हारे अंदर आत रहता है श्रद्धा है सेवन करने के लिए रुचि है तुम्हारे बड़ा सौभाग्य है आओ आओ तुम भी आकर बैठो सुनो देखिए मेरा अनुभव रहा इसे हम एक बड़े धनी खानदान के पास में गए थे हम लोग बड़े बड़ा करोड़पति हो उसके घर में भागवतम चाहिए था किसी को तो किसी ने उनको बोला कि राजेश हमको घर में बुलाना तो भागवतम लेना पड़ेगा वो तब आएगा क्योंकि हम दिसंबर में जाते हैं तो वो लोगों ने बोला ठीक है साधु को लेके आओ हमारे घर में तो उनके घर में वो वृद्ध आदमी बैठा था उसकी बीवी बैठी थी उसके दो बेटे थे और एक बेटी थी सब बैठे थे हाँ और वो लोग औपचारिक रूप से सुन रहे थे आप लोग जानते हैं औपचारिक क्या है ऑफिशियली सुन रहे ठीक है साधु आए हैं उनको ज़्यादातर मेरे से आशीर्वाद चाहिए उनको बस कथा ठीक तरह से सुन नहीं पाए भाग दौड़ कर रहे थे उनके लिए बुखार लेकर आओ और दूध लेकर आओ फल लेकर आओ बाग दौड़, मैंने बोला बैठो शांति से आप सुनो पहले वो सब बाद में करेंगे लेकिन उनको डर था कि साधु को ट्रीटमेंट अच्छा देना चाहिए लेकिन उसी प्रवचन में बाद में मैंने देखा दो नौकरानियां बैठी थी उनके घर के जो कपड़े धोती है बर्तन सफाई करती है जो क्लास होने के बाद मैंने प्रश्न पूछा हर प्रश्न के लिए दोनों नौकरानी हाथ ऊपर करती है <laughs> उन्होंने अच्छा सुन लिया <laughs> पूरे के पूरे सुन लिया और मैं प्रश्नोत्तर के लिए समय दिया वो दोनों प्रश्न पूछ रहे हैं एकदम साधारण परिवार में जन्म ही वो लेकिन उनके अंदर भक्ति भाव है समझे ना आपने इसलिए भक्ति भाव कहीं भी आ सकता है ऐसा नहीं कि कोई धनी इसलिए भक्ति आ जाएगा ऐसा नहीं है हा? तो मैंने सोचा कि उसका मतलब एवॉल्व सोल्स हैं ये लोगों ने प्रगति किया होगा पूर्व जन्म में ऐसे हूँ इस तरह वो लड़का जो था वो जब इन लोगों से कथा का भी श्रवण किया वो लोग ने प्रेम से उसको सुनाया कथा कथा सुनकर आनंदित हो गया है तुभ कृष्ण कथा प्रगायता अनुग्रहण श्रृणव मनोहरा तादया मे नुपृण्वत प्रियश्रवस्मा भवतुचि मेरे अंदर रुचि जग गया भगवान की और कथा श्रवण करने की इच्छा और लालसा हो गया और सुन लो और सुन लो भगवान के बारे में और जानने की इच्छा होता है और कब मैं भगवान से मिलूंगा और इतने मधुर इतने प्रेम के स्वरूप हैं भगवान इस तरह सता भगवान का स्वप्न आने लगा इनको भगवान सता भगवान का स्मृति आने लगा इतना उनके अंदर रुचि बढ़ गया बहुत देखिए हम लोग भी इस कान में जुड़े हैं क्यों क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण के लिए हमारे हृदय में प्रेम जग जाए और कृष्ण के लिए विरह का अनुभव हो ऐसे एक समय आए जब हम कृष्ण को ढूंढे हर अणु में कृष्ण को हमें जैसे चैत्र महाप्रभु कृष्ण को ढूंढ रहे थे हा? हर एक जीव के अंदर इस तरह कृष्ण के लिए विरह छिपा हुआ अवस्था में है सुप्त अवस्था में हो उसको जगाने के लिए हमें साधु संत करना चाहिए साधु संतों के संग करना चाहिए तो संग करके वो जग गया हो लेकिन चार महीने के बाद ये लोग छोड़कर जाने वाले थे हाँ क्योंकि बारिश का मौसम तो चला गया शरद ऋतु तो आ गया आसमान में सूर्य चमक रहा था धरती भी चीक हो गई पानी सब गए तो सही समय था उनको निकलने के लिए तब ये छोटा लड़का गया उनके पास बोला कि देखिए आप लोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा मेरे लिए संग नहीं मिलेगा उन्होंने उनको मंत्र दिया उनको उपदेश दिया बोला कि तुम कहीं भी रहे भक्ति करते जाओ तुम भगवान को प्राप्त करोगे अच्छे अच्छे उपदेश दिया उन्होंने एक उपदेश दिया उन्होंने देखो आध्यात्मिक जगत शाश्वत है भौतिक दुनिया क्षणभंगुर है ये बात हमेशा याद रखो आज नहीं तो कल ये शरीर छूटने वाली मृत मृत पदार्थ है शरीर है? ये मनुष्य शरीर जो होता है जो मिला हमको बचपन से युवक अवस्था युवक अवस्था से बुढ़ापा बुढ़ापा के बाद मृत्यु आ जाता है निकल ही जाएगा फुने. ये शरीर जो है आत्मा के लिए पोशाक है ये टिकने वाली चीज़ नहीं है लेकिन आत्मा हजर है अमर है इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए काम करो जैसे भगवान के दाम आग जैसा है भौतिक दुनिया दुआ जैसा है दुआं से काम नहीं होता आग से काम होता है अगर चूल्हे में अपने काष्ट को डाला तब अगर धुआँ निकल रहा तो आप क्या करोगे आप आग के ऊपर फूक नी डाल करोगे ना आप तब आग बढ़ेगा आग बढ़ने से क्या होता है दुआ मिट जाता है तो उन्होंने सिखाया उसको कि आध्यात्मिक जीवन में तुम गंभीर बनोगे तुम परम आनंद प्राप्त करोगे हैं और भौतिक जीवन आसानी से ठीक हो जाएगा लेकिन सिर्फ भौतिक जीवन के ऊपर ध्यान दोगे तो दुआ को फैलाने के बराबर है दुआं को फैलाओ सब लोग चिल्लाएंगे तुम्हारे ऊपर इसलिए तुम आग तो को बढ़ाओ अध्यायन जीवन में गंभीर बनो नाम जपो भागवत श्रवण करो ऐसे कभी भी लिए भगवान की लीला कथा सुनने के लिए, लिए, लिए मौका मिलता उधर जाकर बैठ जाओ हैं और सुनो तो इस तरह उन्होंने उनका संग करके भगवान विष्णु के दर्शन पाया बाद में जंगल में तो तब विष्णु ने बोला उनको दो चीज बोला उन्होंने हंत अस्मिन जन्म ने भवान मामा दृक्षो मिहार घसी अभी दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम देखो बच्चे एक बार मैंने दर्शन दे दिया तुमको लेकिन जो लोग पक्व नहीं हुए हैं उनके प्रेम में और जो लोगों का सेवा में भरपूर सेवा नहीं किया है मेरे लिए उन लोगों को रुकना पड़ेगा दर्शन तुमको इस जन्म नहीं प्राप्त होगा लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे महान भक्त बनोगे ऐसे भगवान बोलकर अब प्रकट हो गए थे तब ये लड़का समझ गया कम से कम भगवान के आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने बता कर दिया उनको क्या करना है तो अलग अलग तीर्थ स्थानों में गया भगवान विष्णु के मंदिरों को देखता था श्री चक्र को देख कर वो दंडत प्रणाम करता था अनेक दिव्य नदियों में स्नान किया अनेक संत महात्माओं के साथ संग किया गीता भागवत पढ़ा और भगवान की मूर्तियों का दर्शन भी किया पुराण सुना सब करते हुए ऐसे ऐसे विचरण करते हुए प्रचार भी किया नाम का उच्चारण करते करते गया अंतिम काल में जब देख त्याग किया वो क्या बना मालूम है किसी को आठ जन्म उनका पहला जन्म था गंधर्व दूसरा जन्म था पुत्र तीसरा जन्म जन्म बना तो इतने महान भक्त बना वो साधु संघ से इस तरह साधु संघ में हम आते हैं तो क्या वो लोग देते हैं नाम कीर्तन नाम जब देते हैं जैसे नाम लेने वाले को चार लाभ आपको मालूम है क्या क्या है चार लाभ अगर कोई नाम लेता है नाम लेते ही उसको भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है हाँ। अगर कोई नाम लेगा वो भक्तों का संग प्राप्त करता है और भक्तों के संग में वो लोग क्या करेंगे उसको शिक्षा देंगे भगवान के संबंध में संबंध हाँ? ज्ञान बद इतना ही नहीं वो उसको भक्तिमय सेवा में भी लगाएंगे वो तीसरा है और चौथा है उसको वैकुंठ पद प्राप्त होगा हाँ, अभी देखिए जब ना इसे पुकारा किसी ने कौन तब कौन आ गए लेकिन भगवान के नाम पुकारने से भक्त का संग मिल गया उसको भक्त हाँ? तो का संग मिलने के बाद संग में उसको क्या मिला दिव्य ज्ञान मिला उसको हाँ? उसके बाद वो सब छोड़ छाड़ कर ऋषिकेश में चला गया हरिद्वार में उधर उसको क्या मिला विष्णु के मंदिर में सेवा मिला उसको हाँ? और बारह साल के बाद क्या आ गया वैकुंठ विमान आकर उनको लेकर गया चार चीज मिला उनको क्या क्या मिला भक्तों का संग भगवान की दिव्य ज्ञान भगवान की सेवा और वैकुंठ पदवी अभी आप लोग भी इधर बैठे हुए लोग आप लोग रोज नाम जप करते हो करेक्ट है न? ना आप नाम जप करने के उसको कभी मत छोड़ो क्योंकि मत नाम को आप छोड़ देंगे ना भक्तों का संग छूट जाएगा लेकिन नाम लगातार करते जाइए आपको भक्तों का संग कभी नहीं छुटेगा ना? इसलिए अगर कोई कोई एक माला दो माला करते हैं मैं उनको बोलता हूँ कभी मत छोड़ो माला को लगा जारी रखो हमेशा कितने लोग एक माला करते हैं इधर रेगुलर रोज एक माला करते हैं ठीक है उधर एक बक्त है कितने लोग दो माला करते हैं दो हाँ कितने लोग तीन माला करते हैं ओके चार हाँ और पांच ठीक है और पांच से आठ के अंदर कितने लोग करते हैं हाँ ठीक है अभी आर्ट के नीचे जो भी कर रहे हैं ना आप लोग सावधान रहना है आर्ट से ऊपर बढ़ जाना आप क्योंकि आर्ट से ऊपर बढ़ेंगे ना सोलह माला आसानी से आ जाता है उसके बाद हाँ और आप आर्ट से बढ़ने तक टिके रहना रेगुलर आना आप सत्संग में क्योंकि नाम को कभी रुकना नहीं कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी कभी आर्ट करता हूँ कभी नहीं करता हूँ कुछ नहीं करता ऐसे मत कीजिए लगातार रोज नियमित रूप से जो मंत्र ऊपर आप बढ़ सकते हैं लेकिन घटना नहीं मंत्र एक से आप दो माला चार माला तक कर सकते हो आठ माला तक लेकिन उसमें गठन नहीं आना चाहिए अगर प्रातः काल में नहीं हुआ तो दोपहर के टाइम शाम के टाइम पूरा कर देना चाहिए उसको आदत बना लीजिए और आप देखेंगे चार चीज़ आपको प्राप्त होगा मैंने बताया जो लोग माला करते हैं माला करते हैं सर वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो आप लोग प्रभु बोलते हैं स्वाला माला करते जाओ चार नियम पालन करो आपको ये चार चीज़ प्राप्त होगा भक्तों का संग प्राप्त होता है आपको दिव्य ज्ञान भी प्राप्त होता जा रहा है हाँ। सेवा भी मिलता है ना आपको सबको सेवा भी मिलता है और भाई कुंडमान अंत में आएगा बाद में हाँ। <laughs> आप इंतजार करना ऐसा हाँ। आ जाएगा तो नाम के उच्चारण की महिमा है ये यमराज ने बोला यमदूतों को नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोपित नई मृत्युपाशात उन्होंने बोला कि नाम की महिमा देखो देखो मेरे पुत्रों हाँ ये आप लोग यमपाश को डालकर उसको बाहर खींचा लेकिन वो कट गया यमपाश कैसे कट गया नाम के उच्चारण से तो नाम का उच्चारण और भागवत का श्रवण ये दोनों ही कली के लिए धर्म है लेकिन एक महत्वपूर्ण तो चीज़ में अंत में बोलकर विराम देना चाहता हूँ हम लोग आजकल यूट्यूब में टेलीविजन में अनेक वक्ताओं को सुनते हैं कुछ कुछ लोग मेरे पास आकर वाद विवाद करते हैं स्वामी जी कृष्ण का तो शुद्ध है किसी से भी हम सुन सकते हैं क्या समस्या है ऐसे कुछ लोग पूछते हैं कुछ लोग बोलते हैं वो स्वामी जी है ना उनका बोलने का ढंग बहुत मधुर है हाँ। मीठे मीठे बोलते हैं तो हम क्यों नहीं सुन सकते हैं तो प्रभा जी उनकी किताबों में लिखते हैं सनातन गोस्वामी को कोटेशन को देते हैं प्रभुपा जी अवैष्तंभ पूतम घरिकतामृतम श्रवण नई कर्तव्य सर्पोचिष्टापाय अगर एक दूध को एक सर्प ने डस दिया हो दूध देखने में जैसे कि वैसे ही दिखता है लेकिन जो पिएगा वो मरेगा वो करेक्ट है ना इस तरह आप कभी भी जाओ वृंदावन में खास करके कार्तिक महीने में कम से कम पचास साठ कथाएं चल रहे हैं सात दिन का कथा जिसको सप्ताह बोलते हैं लेकिन सप्ताह करने वाले नाम क्या देते हैं भागवत महायज्ञ देंगे और तो ज्ञान यज्ञ ऐसे बताएंगे देखा आपने कितने लोगों ने देखा ज्ञान यज्ञ उसका मतलब वो मायावादी लोग हैं वो मायावादी का मतलब क्या है ये लोग सब बोलेंगे कृष्णा, गोपी गोपियां सब बोलेंगे अंत में बोलेंगे और अंत में सब लोग विलीन हो जाएंगे ब्रह्म, ब्रह्म में ऐसे बोलेंगे वो लोग इसका मतलब ये भक्त नहीं है ये लोग हाँ तो जो अभक्त हैं उनसे हमें सुनना नहीं चाहिए हा? जितना भी वो मधुर तरीके से वो बोले तो इसलिए पहले आपको पहचान लेना चाहिए कि कोई परंपरागत तो गुरु है कि नहीं वो देखना चाहिए हमको परंपरागत होना चाहिए जैसे चार संप्रदाय आप लोग जानते हो ब्रह्म, ब्रह्म, माधव गौड़ संप्रदाय हमारा संप्रदाय है श्री संप्रदाय है कुमार संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय है तो संप्रदाय में आने वाले लोग आप देखेंगे परंपरागत ज्ञान जो देने वाले हैं ना वो बोलेंगे आपको भगवान और भक्त और भक्ति तीनों शाश्वत है वैकुंठ शाश्वत है जीव शाश्वत है भगवान शाश्वत है और जीव कभी भगवान में लीन नहीं होता जैसे एक एरोप्लेन नीचे से ऊपर जाता है आसमान में क्या आसमान में लीन हो जाता है हो जाता है क्या वो बाद में कहीं उतरता है कहीं कि नहीं है इसी तरह आप हाँ देखेंगे तो तोता जो है एक पेड़ के अंदर प्रवेश करता है वो भी हरा है पेड़ भी हरा है लेकिन वो तोता जो है ना वो लीन नहीं होता पेड़ में उसका अस्तित्व बनाया रहता है वो तोता अंदर जाता है पेड़ में फल खाने के लिए उधर उधर चुपचाप बैठने के लिए नहीं है इस तरह हम भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए हम जाते हैं भगवान मिली नहीं होते हम भगवान के दास दासी के रूप में रहते हैं हम तो प्रभाव जी भी बोलते हैं कि कुछ लोग भागवत कथा करते हैं पैसा लेते हैं उसके लिए जैसे सात दिन की कथा करना हो तो पाँच लाख दस लाख बीस लाख तो ऐसे पैसा लेने वाले कैसे सही ढंग से सिखा पाएंगे वो क्योंकि कुछ हेतु के साथ वो लोग कथा करते हैं और वो लोग क्या करते हैं कथाकार भी वो गोपियों की कृष्ण की रासन ऋति के बारे में सीधा बताएंगे वो लोग अनेक लोगों को मालूम भी नहीं कि शरीर क्या आत्मा क्या है वो भी मालूम नहीं उनको वो लोग सीधा दशम स्कंद में पहुंच जाते हैं पहले स्कंदों में मत्स्य कुर्मा वराह नरसिंह इत्यादि इनका लीला है दशावतार का और सीताराम की लीला है लक्ष्मी नारायण की लीला है और राधा कृष्ण की लीला दशम स्कंद में आता है और ध्रुव चरित्र है प्रहलाद चरित्र है अम्बरीश चरित्र है पांडवों की चरित्र है तो ये सब पढ़ना चाहिए हमको भागवत पहले स्कंद से धीरे 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 आगे बढ़ना चाहिए हमको और उसके बाद दशम स्कंद में आना चाहिए तो आजकल यूट्यूब का जमाना है अनेक लोग यूट्यूब में कहीं किसी से भी सुन लेते हैं कुछ लोग इस्कान से सुनते हैं हा? लेकिन इस्कान को छोड़कर भी कुछ लोग बाहर अलग अलग बाबा जीवनों से सुनते हैं उनको मालूम ही नहीं कि व्यक्ति कौन है हा? किस परंपरा में आ रहा है किस गुरु से दीक्षा लिया है क्या मायावादी है वैष्णव है लोगों को मालूम नहीं है आजकल कोई भी कुछ भी सुन लेते हैं तो हमें चुन कर सुनना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं वन पॉइंट एट पॉइंट थर्टी सिक्स श्लोक नंबर हाँ पहले स्कंद के आठवें अध्याय के थर्टी सिक्स श्लोक आप पढ़िए उधर प्रपा जी इन विषयों के बारे में बोलते हैं हा? वो क्या बोलते हैं प्रभा जी करणा दुर्योधन दुशासन ये सब लोगों ने कृष्ण को अपने आंखों के समक्ष देखा देखा कि नहीं लेकिन देखने के बाद भाव उदय हुआ उनके हृदय में नहीं इसके विरुद्ध आप देखेंगे पांडव लोग प्रेम के आंखों से भगवान को देखा पांडव हो और बाकी भी भगवान के अनेक भक्त जैसे भीष्म पितामह आप देखेंगे विदुर जी ये लोग ने प्रेम के आंखों से देखा भगवान को तो उस तात्वीन जी लिखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है मनुष्य जीवन में श्रवण और ये श्रवण कैसे काम करता है अगर आपको बुखार हो गया एक डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो आपको जल्दी ही जल्द वो बुखार निकल जाता है चला जाता है इसी तरह श्रवण जो सही महात्मा पुरुषों से सुनता है वैष्णव से सुनता हो कोई व्यक्ति उसके अंदर प्रेम जग जाता है बहुत जल्दी लेकिन अगर कोई इधर उधर किसी से भी सुन लेता है जैसे अगर आपको पानी पीना हो ट्रेन में जाते हो क्या कहीं भी पानी आप पी लोगे उन दिनों में हम लोग नल से सीधा पी देते हैं जब हम छोटे थे वो जमाना बदल गया भी अभी पानी बहुत आ, कोई भी सीधा नहीं पी सकता नल से कहीं भी बिस्तरी पाटल ऐसे कुछ पाटल खरीद कर हम पीते हैं आ, उसको सील है क्या नहीं देखते हैं करेक्ट अगर सील नहीं तो हम समझेंगे कि ये ठीक नहीं है तो शरीर के स्तर पर देखा जाए तो लोग बहुत सावधान रखते हैं हा? लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि कहीं से भी नहीं सुनना चाहिए हमको हा? तो विधिवत पढ़ना चाहिए भागवत पहले स्कंद से के, कितने लोगों के पास भागवत है प्रोपा जी का वेरी गुड लगभग आधा भक्तों के पास है भागवत तो आपको मंदिर में मिल आचार्य प्रभु दे देंगे करेक्ट आचार्य प्रभु आप <laughs> बढ़िया और कभी कभी हम थोड़ा कंसेशन देते हैं तो अनेक लोग खरीद पाते हैं करेक्ट है ना प्रभु तो अगर ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट कन्सेशन में देंगे तो सब लोग प्रोपा जी के भागवत ले लेंगे और आप लोग धीरे धीरे पढ़िए उसको पोदार जी हनुमान प्रसाद पोदार जी के पास प्रोपा जी गए थे जब प्रौपा जी के भागवत के तात्पर्य को देखा उन्होंने इतने आनंदित हुए वो वो बोले कि शुद्ध वैष्णव है ये शुद्ध भक्ति के भक्ति का परिभाषा दिया है तुरंत उन्होंने चार हज़ार उन्होंने उनको उन्हों कुछ पाँच हज़ार रुपया डोनेशन में दिया उन्होंने बोला कि आपको बाघव चापने के लिए मैं आपको दान दूंगा हाँ प्रभाजी उस दान के द्वारा ही पहले चार वालिम चाँप कर अमेरिका लेके गए प्रभाजी उसको तो लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधान भारत के मंत्री थे प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने भी देखा प्रभाजी के पहले चार वाली को बोला कि बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने सही ढंग से समझाया है सरल तरीके से प्रभा जी की भाषा सरल भी है शुद्ध भी है तो हम लोग इस तरह की लीलाओं को पढ़ते जाना चाहिए अगर हम सही तात्पर्य पढ़ेंगे ना कृष्ण की ओर हमारे आकर्षण बढ़ेगा प्रेम बढ़ेगा और कृष्ण हमारे हृदय में समा जाएंगे हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे जैसे एक गीत है आपने सुना होगा बताएंगे आप കൃഷാരണ മമ മതൃ കൃഷ്ണാര

आपको भक्ति प्रीति माला चंदन इत्यादि अर्पित करना चाहता हूँ आप इसको स्वीकारिए और मैं आपको आपके लिए प्रेम का दिया जलाऊंगा आपके लिए हार पाना होगा आपके लिए आरती उतारूंगा आपके नाम और यश के गुणगान करूंगा। आप। और करूंगा। आप। आप मैं हमेशा आपके श्री चरणों में एक भक्त के रूप में रहूंगा और आपकी खुशी आपकी सुख में सुख पाऊंगा और मेरे लिए आपसे कुछ नहीं चाहिए आप अगर इन चीज़ों को आप स्वीकारेंगे वही मेरे लिए परम सौभाग्य जैसे मानस देह देहे जो कि चुमोर पिल तुआ पे वो गीत में गाते हैं भक्तनाथ ठाकुर तो हमारे आचार्य एकदम शुद्ध कृष्ण शिक्षा देते हैं और उनके सब वैष्णव गीत भी ऐसे ही हैं तो मेरा विनती आप सब भक्तों से इन कृष्ण के मधुर लीलाओं को आस्वादन कीजिए भागवत प्रुप जी की भागवत को के साथ पढ़कर है और जो भी वक्ता गण जो भी बोलते हैं वो तो सही वक्ता से अगर हम सुनते हैं तो सही तरह से वो काम करेगा हाँ और हमारे हृदय में हृदय को चित्त को शुद्ध करके हमें कृष्ण प्रेम को जगा देगा और जल्दी ही जल्द हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवद धाम लौट जाएंगे हम तो प्रभाव जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने इतने सरल तरीके से और शुद्ध तरीके से उनके तात्पर्य के द्वारा हमारे आंखों को खोल दिया हमारे हृदय को जैसे एक कली एक फूल के रूप में खिल उठता है इस तरह लोगों के हृदय में भक्ति को जगाया प्रभा जी ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं तो चैतन महाप्रित्यानंद प्रभु के गौ नेताए जो हैं उनके लीलाओं के द्वारा हम कैसे कृष्ण प्रेम की लीलाओं में हम प्रवेश कर सकते हैं वो प्रभा जी ने सिखाया ये थीम किताब भगवदगीता भागवतम और चैतन सताम्रत ये तीन प्रपंच बोले के तीन चीज आपने पढ़ लिया समझ लिया उतार दिया जीवन में बाकी कुछ जरूरत नहीं है हमको शिव प्रभात की कृष्ण yeah. भगवान की भागवतम की थैंक यू वेरी मच